हमारी कोई YouTube पे वीडियो वगैरह नहीं आती, तो मैंने सोचा ही कि क्यों ना आपके लिए बैक कवर कोड लाया जाए, किसके साथ लाया जाए। तो फाइनली मैं मिलाता हूँ अपने जिम के सबसे छोटे एज के लड़के से, शिव, जिसकी हाइट का मत जानना भाई, 16 साल का है, मात्र दे अभी 10th इसने एग्जाम दिए। लेकिन एक दिन मुझे खुद देख के लिए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था जब ये वेट अपना लिफ्ट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अगली एक वीडियो हम शिव के साथ लगाते हैं, बैक का वर्कआउट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है इसकी और बढ़िया स्ट्रेंथ है एज के हिसाब से। लेकिन अभी हमारा फिलहाल टारगेट जो इसकी कुछ जो गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी उनको सुधारने के काम करते हैं। तो और काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत भी होती है कि उन्होंने कहा भाई 16 साल में जिम हम करने हमारी हाइट उठ जाएगी या फिर क्या। पहली बात मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ, शिव को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं ना मेरे पास, एक डेढ़ साल हुआ है शिव को ट्रेनिंग करते हुए मेरे यहाँ। और हमने जो इसकी पहले की फोटो भी आपको हम जरूर दिखाएंगे, उस टाइम वेट कितना था, 85 की समथिंग था, और आज 72 वेट है, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा गुलू मुलू रहे। ठीक है, वो तो चलो बात की बात है, फिलहाल हम करेंगे बैक का वर्कआउट। तो बैक का वर्कआउट में तो पहले तो हम थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, तो पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उसके बाद करते हैं अपना बैक का वर्कआउट। सामने पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होना, फील स्ट्रेट एकदम सामने फॉरवर्ड, चल 1 2 3 4 थोड़े नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरे एक्सरसाइज पर आ चुके हैं हम, लेग पुल डाउन फ्रंट, और फ्रंट में बहुत से लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको दिखा दूँ। चल चल चलो झूले वाले मारते हैं, ऐसे मारते ये हाथ ले क्या है फ्रंट बैक, मेरे तो भाई समझ में नहीं आता किसके अंडर में आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसका अपनी लोअर बैक को आगे रखो, चल आगे, अपर बैक को हल्का सा बैंड कर पीछे की तरफ, दैट्स इट, ये लॉक हो गई। चलो लेग पुल, इसको हमने अपनी तरफ को पुल किया ताकि हमारी बैक पुल हो जाए, और आगे की तरफ नहीं जाना, बैक इतनी रुक गई ताकि हमारी बैक पे पूरा अच्छे से लोड हो जाए। कितने हुए बाबा, ये मात्र 16 साल के, मुझे ऐसा लगता है ये जब मेरे इसमें आया ना तो मुझसे भी बड़ा डबल हो जाएगा भाई। देखिए अच्छा तभी लगता है जो जो जिस बंद जो इस बंदे के सामने ट्रेन कर रहे हो और जिसने आपको सिखाया हो, आगे जाके उससे ही आगे कर जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ, लेग पुल डाउन बैक, चलो बैक चलो। इसके भी हम सेम रिपीट ये करेंगे, 3 साइड लेंगे, 15 15 या 15 जैसे भी आप जो अपने जोर से करें। ठीक है, हाथ पूरे स्ट्रेट लेके जाया करो, और हाथ कुछ क्या होता है ये ना ऐसे पीछे पीछे ले गया, ये लेके आते, ये नहीं होता, स्ट्रेट लेके गए हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। फाइनली हमारी 3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बड़े अपने 4th एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारे यहाँ क्लोज ग्रिप। ठीक है, क्लोज ग्रिप आप रॉड से भी कर सकते हो, तो फिर बराबर हमने जो लिया वो डाउन फुटी वाला स्टैंड में यूज़ करा। ठीक है, चलो इसमें भी सेम पोजिशन वही गलती रहती है, वेट मार रहे हैं ऊपर नीचे जा रहे थे,
रात में शादी भूल रही है। सेम क्वेश्चन है, लोअर अंदर अपर थोड़ी बाहर और इस, चलो एक दो तीन, जो क्लोज गैप का ज्यादातर काम जो होता है हमारे इनर बैक को ठीक करने का, थोड़ा मतलब फिनिशिंग के लिए कह सकते हैं, या फिर जो हमारी इनर पार्ट जो होता है बैक का इनर, उसको काफ़ी अच्छा मसल्स को ग्रो करता है। बाकी अगर बहुत सीधे पता जो मुझे नहीं पता है, तो पैक के मतलब फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है सिंगल हैंड नंबर, ठीक है। चल से चेस्ट को अपन उठा के रख, लोअर को नीचे खींच रहा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक और दस। इसमें बहुत सी गलती करते हैं बड़े आराम से, अब क्या गलती करते हैं मैं बता दूँगा। I should fuck her in the best, yeah.